और इस वक्त की बड़ी खबर, मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आर्टिकल 355 लागू कर दिया गया है। सुलगते मणिपुर को शांत करने की कोशिश है। तो सुलगते मणिपुर को शांत कराने की कोशिश के बीच केंद्र मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से मैदान में उतार दिया गया है। आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच भड़के दंगे को काबू में करने के लिए 8 जिलों में सेना का फ्लैग मार्च इस वक्त जारी है। गृह मंत्री अमित शाह हॉटलाइन पर इम्फाल में ऑफिसर्स को निर्देश दे रहे हैं। अब तक की हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने कई घरों और गाड़ियों को फूंक दिया है। लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। चारों तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ है। देखिए किस तरह से गाड़ियों तक में आग लगा दी गई है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मणिपुर में हिंसा हुई है। दरअसल यहाँ पर जो आदिवासी हैं और जो गैर आदिवासी बहुसंख्यक है उनके बीच ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक मार्च निकाला गया था ट्राइबल्स की ओर से, यानी कि जो आदिवासी है उनके तरफ से मोर्चे की ओर से एक मार्च निकाला गया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था। क्योंकि जो बहुसंख्यक वहाँ पर लोग हैं उन्होंने वहाँ पर ST स्टेटस मिलने की बात हो रही थी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उन्हें ST स्टेटस मिलने जा रहा है, उसके बाद ये पूरी हिंसा शुरू हो गई। 8 जिलों तक ये हिंसा फैली है और हिंसा से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। दंगाग्रस्त 8 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है और देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च भी किया गया। दंगे की आग में मणिपुर जल रहा है। एक जिले से उठी चिंगारी 8 जिलों तक फैल गई है। मकान जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां सुहा हो रही हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ रहा है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। हिंसा प्रभावित कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। अगले 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू कर दिया है, यानी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, जिसके बाद आर्मी और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। इनके अलावा गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की भी 5 कंपनियों को मणिपुर भेजा है। इसके बावजूद हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। हिंसा के डर से लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं। उपद्रवी बेकाबू हैं और मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर इज अ स्टेट इन व्हिच वी हैव ऑल कोएग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। वी शुड नॉट अलाउ द कल्चर ऑफ कम्युनल हार्मोनी बिटवीन द पीपल लिविंग इन द स्टेट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय वैस्टेड इंटरेस्ट। इन दिस आवर आई अपील to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors and unverified messages. देश में कल एवं आज की हिंसक घटनाओं से मुझे बहुत दुख हुआ है और दुखी हूँ। सभी मणिपुर प्रदेशवासियों को से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी परंपरा के अनुरूप शांति, स्नेह, भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें। किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी में भाग न लें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी समस्या और विचारों को शांतिपूर्वक बैठकर आपस में विचार विमर्श कर उपयुक्त मंच सरकार के समक्ष रख सकते हैं। 2 दिन पहले ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। इस दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। गैर आदिवासी गुट ने एक आदिवासी विधायक पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी।
भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन हालात नहीं संभले और देखते ही देखते दंगे की आग एक के बाद एक कई जिलों में फैल गई। We as a Manipuri should be harmonically as it was in the and during the king's time we were all harmonically and culturally we are living together. So today I also would like to appeal all the communities of the Manipur to remain peacefully and try to help the government, help the society to bring the normalcy and to live harmonically and respecting each other. So that will be the best solution. And crisis like violence, we cannot solve any issue. अब आपको बताते हैं कि मणिपुर में आखिर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच नफरत की वजह क्या है। दरअसल आदिवासी समुदाय अपनी रैली में उस मांग का विरोध कर रहा है जिसमें डिमांड की जा रही थी कि गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में 53% से ज़्यादा मैतेई आबादी है जो 10 साल से ST स्टेटस की मांग कर रही है। गैर आदिवासी समुदाय की इस मांग का आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि CM दावा कर रहे हैं कि दोनों समुदायों के बीच जो गलतफहमियां हैं उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा, लेकिन हालात को देखते हुए लगता नहीं कि नफरत की ये आग इतनी जल्दी बुझने वाली है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।